हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। मेरा नाम स्वाति है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, जून मंथ ओवर हो गया है और हम जुलाई में एंटर कर चुके हैं। दैट मींस बारिश का सीजन, जिसे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही ऑफिशियस मंथ माना गया है और हम जिसे सावन का महीना भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि सावन मंथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है, बट आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि सावन को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया, शास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या लिखा है, सावन व्रत का मतलब क्या है, किस टाइम पूजा करने से ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सामग्री भगवान शिव पर चढ़ाएं और क्या बिल्कुल भी ना करें। गाइस, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये महीना कब से कब तक है। श्रावण का महीना 6 जुलाई से शुरू होगा और 3 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार श्रावण का महीना शुरुआत और समाप्ति सोमवार के दिन से ही होगी। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सावन शब्द का मतलब क्या है। दोस्तों, सावन शब्द संस्कृत के श्रावण से बना है, जिसका मतलब है सुनना, और व्रत का संस्कृत मीनिंग है नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो श्रावण के व्रत का मतलब है कि हमें इस मंथ में अपनी 6 इंद्रियां, जैसे रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और मन, यानी भूख, आँख, नाक, छूना, वाणी, दिल और दिमाग, इन सब पर नियंत्रण रखकर सात्विक शुद्ध विचारों का श्रवण करना, बेसिकली सेल्फ कंट्रोल सीखना है। चलिए अब बात करते हैं कि सावन मंथ की इम्पोर्टेंस की। हमारे ग्रंथों में बहुत सी कथाएं हैं जो सावन मंथ की इम्पोर्टेंस को बताती हैं। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में सब बताती हूँ। गाइस, भगवान शिव को सावन का महीने बहुत ही प्रिय है। इसी महीने में वो पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, जहाँ पर इनका स्वागत जल अभिषेक से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में हर वर्ष भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी लोकवासियों के लिए सबसे उत्तम समय है उनकी आराधना करने का। पौराणिक कथाओं में ऐसा भी लिखा है कि इस मास में समुद्र मंथन भी किया गया था, जिसमें हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उसे पीकर सारी सृष्टि की रक्षा की। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए सावन मंथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक को उत्तम माना गया है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि भगवान विष्णु नारायण सावन के महीने में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय भगवान शिव सृष्टि के संचालक बन जाते हैं और इस मंथ में उनकी पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजा किस समय करें। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि सुबह के समय भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, पर दोस्तों शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल यानी शाम में सूरज ढलने के साथ और रात्रि के आने से पहले, जिसका मतलब है शाम को 4:30 से 7:30 के बीच में शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है, जो बहुत फलदायी होती है। इस वक्त आप भगवान शिव की पूजा पार्वती जी के साथ करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आप भगवान शिव की पूजा कैसे करें। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि अर्क, बेलपत्र, भांग। तो पहले हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। गाइड स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें कभी भी भूल कर ना चढ़ाएं। अब मैं बताती हूँ क्यों। तो फर्स्ट पॉइंट है हल्दी। धार्मिक कार्यों में हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष का प्रतीक माना गया है, इसी वजह से महादेव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। सेकेंड पॉइंट है हमारा फूल। शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने को निषेध माना गया है। थर्ड पॉइंट है कुमकुम या रोली। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती।
फोर्थ पॉइंट है तुलसी दल। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग ना करने की बात कही थी। फिफ्थ पॉइंट है शंख। शंख भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिवजी जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। लास्ट पॉइंट है नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल पानी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता। गाइस, अब हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों की जो भगवान शंकर को प्रिय हैं और उनसे मिलने वाले फल की। पहला है जल। मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चलाने से हमारा स्वभाव शांत होता है और आचरण इसने में हो जाता है। दूसरा है शहद। शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। तीसरा है दूध। दूध अर्पित करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। फोर्थ पॉइंट है दही। दही चढ़ाने से हमारा स्वभाव गंभीर होता है। फिफ्थ पॉइंट है घी। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। सिक्स्थ पॉइंट है इत्र। इत्र से स्नान कराने से विचार पवित्र होते हैं। सेवन पॉइंट है चंदन। शिवजी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। एट पॉइंट है केसर। केसर अर्पित करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। नाइन पॉइंट है भांग। भांग चढ़ाने से विकार और बुराइयाँ दूर होती हैं। गाइस, लास्ट पॉइंट है शक्कर। शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। सावन के महीने में शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आप हर रोज कम से कम ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। राधे राधे।